अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है। अगर आप सब लोगों के पास मेरी स्क्रीन आ रही है तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने एक फोल्डर बना दिया है यहाँ पे 04 रिएक्ट के नाम से। रिएक्ट की हमें हेलो वर्ल्ड की ऐप बनाते हैं जल्दी से अभी, और उसको हम डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये हमने डेव सीडीए का वही आर्टिकल खोल लिया जो लास्ट हमने जिससे थ्योरी समझी थी। अब ये इन्होंने ना पहली रिएक्ट की ऐप इस तरह करके बना दी है। अच्छा, लेकिन हम इस तरह करके नहीं बनाएंगे। इन्होंने तो कहा है कि ऑनलाइन ही क्लाउड 9 करके कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर इन्होंने बना दिया। हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर वे है सीएलआई पे बनाने का, हम उस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है जी, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप में मैं आ चुका हूं, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सब लोगों को ये नया वाला तरीका पता है, एक तो npm इंस्टॉल करते हैं आप और फिर उसको चलाते हैं, रन करते हैं। एक न्यू कमांड आ चुकी है नए वाले Node.js में, इसमें आप क्या लिखते हैं, npx लिखते हैं, और उसके बाद आप अपनी जो भी चीज इंस्टॉल करने वाली है उसका नाम लिख देते हैं। तो वो क्या होती है, अगर पहले से इंस्टॉल होती है तो वो जस्ट एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर वो पहले से इंस्टॉल नहीं होती है तो पहले इंस्टॉल होती है एंड देन वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप इस तरह करके पहले इंस्टॉल करके फिर भी ये चला सकते हैं, लेकिन वन गो में भी ये काम किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास जाता हूँ फोल्डर में और टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मैं यही वाली कमांड चलाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर अच्छा मैं कहां पे आ गया हूं, रिएक्ट 04 के अंदर। अच्छा, ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड का फोल्डर बनाया ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं क्रिएट करूंगा ना तो वो खुद भी एक हेलो वर्ल्ड का फोल्डर बना देगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, सही है, स्पेस जो भी मेरी ऐप का मुझे नाम रखना है वो। तो मैं क्या करूंगा, हेलो _ या डैश लगा देता हूँ मैं, डैश वर्ल्ड। ठीक है, npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप जो मेरा टूल है, और उसके बाद मेरी ऐप का नाम, और ये लिख के मैं एंटर जैसे ही करूंगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस शुरू कर देगा एक। अच्छा, ये बाय द वे मैं खुद भी कर सकता था, मुझे जरूरत नहीं थी सीएलआई ऐप की। ठीक है, लेकिन सीएलआई ऐप जो करके दे रही है, वो क्या करके दे रही है, मुझे एक बॉयलर प्लेट बना के दे रही है, जिसपे मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं अपना काम डायरेक्ट शुरू करूंगा। बॉयलर प्लेट आप सब लोग जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉयलर प्लेट क्या होता है। तो बॉयलर प्लेट ये हमें बना के दे देगा। अब ये जैसे ही मैंने चलाया ना, इसने कहा नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज। जाहिर है ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल नहीं है, या हो सकता है पुराना वर्जन हो, तो वो कह रहा है कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाई, मैं जस्ट एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक वो यस कंसिडर कर देगा। मैं वाई लिख के भी एंटर कर सकता था। अच्छा जी, क्या हुआ, प्लीज रिमूव द ग्लोबल इंस्टॉलेशन। अच्छा, वो मेरे पास जो पहले से इंस्टॉल हुआ है वो कह रहा है कि पहले आप उसको अनइंस्टॉल करें। हाँ, वो समझ गया मैं, वो कह रहा है पहले से जो इंस्टॉल है उसको हटा देना। उन्होंने हटा दिया, कोई मसले की बात नहीं। क्लियर करके मैं दोबारा चलाता हूँ कमांड, वही सेम कमांड मैंने क्या किया, दोबारा चलाया npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, दोबारा कह रहा है इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने कहा एंटर।
You are running create react app 4.0.3, which is behind the latest version. We are no longer support global installation. ये install हुआ क्यों नहीं है? अच्छा ये इस वजह से नहीं हुआ, समझ गया मैं। ये मैंने sudo करके नहीं चलाया। जब भी global में कोई चीज write या read करनी होती है ना, तो sudo करके चलाना होता है Mac में और Linux में। तो इस वजह से नहीं हुआ वो, क्योंकि मैंने sudo करके नहीं चलाया। ठीक है। अच्छा इसमें दो कमांड लिखी थी ना, एक npm से और एक yarn से, तो मैं दोनों से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। वो कहाँ गया yarn वाला? yarn global remove क्यों भाई बिला वाला? मैं टर्मिनल को बंद करके दोबारा खोलता हूँ, वो टर्मिनल जो है ना शायद कंफ्यूज हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है, आपको हार नहीं माननी है, सही है ना, इसे पढ़े रहना है। अब मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, के सी आर ई ए टी डैश रिएक्ट डैश एप, एनपीएक्स नहीं लिखा मैंने, एनपीएम लिख दिया उसकी जगह। ठीक है, अब ये इसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई मैं तो बढ़ूंगा ही नहीं आगे, तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसको गूगल करना होता है। अच्छा कैश, हाँ बोलो। अरे अभी तो चलाइए, ये सही कह रहा है, कैशे क्लीन मोस्ट प्रोबेबली करना पड़ेगा। अच्छा पहले अनइंस्टॉल करके फिर, वो भी तो किया मैंने। अच्छा तो मैं इनका बताया हुआ तरीका फॉलो करता हूँ, वो नहीं चला तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे गूगल, गूगल बाबा से पूछेंगे यार करो ना एक्सेप्ट, कर लिया। ये मैंने दोनों अनइंस्टॉल चला दिए, सही है। अब मैं करूंगा npm cache clean, यही कमांड है, माइनस एफ। सही है भाई, cache क्लीन हो गया। अब दोबारा से चलाते हैं इसको, नहीं चला। अच्छा ये आ गया भाई, कैसे क्लीन की कमांड गलत चलाई मैंने, ये कह रहा हूँ। हाँ ना, ये देखो ना, बंदा ने क्वेश्चन पूछा है और 96 लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भी यही हो रहा है, सही हो रहा है, हमारे साथ भी होना चाहिए ना, फिर इतने सारों के साथ हो रहा है। स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने बताया कि कैसे क्लीन करने की कोई नई कमांड है, वो भी npx वाली कमांड है, मतलब नई वाली कमांड है, तो हमने उससे कैसे क्लीन करके देखा हो, सही है। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जिसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन जो पूछा था ना उसने एक्सेप्ट ये वाले को किया कि npx create react app, साथ में उसका वर्जन भी बता रहा है, ये वाले को उसने कहा। लेकिन खैर हमने एक सॉल्यूशन ट्राई किया ना, अब हम उसको चला के देखते हैं, अगर चल गया तो सही है, नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है, ट्रिक ये है कि लगे रहना। एक मूवी है अराबियन, क्या नाम उसका है, द लॉरेंस ऑफ अराबिया, उसके अंदर एक बड़ा मशहूर डायलॉग है उसका, वो एक फौजी होता है, वो ट्रिक करके दिखाता है, वो माचिस की तिली जलाता है, उसको उंगली से बंद करता है, बुझाता है, तो वो लेफ्टिनेंट पूछता है उससे कि यार ये दर्द नहीं होगा तुम्हें इससे, तो वो बड़ा एक मशहूर जुमला कहता है और बड़े स्टाइल से कहता है, कहता है कि द ट्रिक मिस्टर डेविड इज नॉट टू फील इट हर्ट्स, हर्ट तो होता है लेकिन फील करोगे तो होगा,
बर्दाश्त करो, तो कहता है मैं बर्दाश्त करता हूँ, दबाता हूँ, दर्द होता है, बर्दाश्त करता हूँ। अच्छा कुछ होना शुरू हुआ है, जो उसने नया तरीका बताया था ना ये वाला कि ऐसे केशे क्लीन करो, ये वाला, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, एनपीएम से केशे क्लीन कर रहे थे, ये कह रहा है एनपीएक्स का केशे क्लीन करो, हमने कर लिया वो, तो इसको मैं अपवर्ड भी कर देता हूँ, क्योंकि ये आंसर मेरे लिए क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। अच्छा अब ये कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा है और इंटरनेट हो रहा है बहुत ही ज्यादा स्लो। इंटरनेट स्लो हुआ, अच्छा नहीं स्लो नहीं है यार, स्लो नहीं है, सही चल रहा है। सेफ साइड के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने ना फोन का वो कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ये मैंने ना अपने फोन का कनेक्ट कर लिया, जस्ट फॉर द सेफ साइड। नहीं नहीं वो चल वही, मैंने अपने फोन का इंटरनेट कनेक्ट किया ना तो वो कमांड चलती थी, इंटरप्ट हो गई, तो उसको मुझे दोबारा चलाना पड़ा। हाँ सही है ना, ये कम से कम 5-6 MB 10 MB तक जा रहा है, वो केबीज में चाहिए। आ गया तुम्हारे पास जूम का कनेक्शन है? अच्छा जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है हम वापस आर्टिकल पे आ जाते हैं और हम कुछ इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये मजीद क्या बात बता रहा है। अच्छा इतनी बात तो सब लोगों को समझ आ गई है कि रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो असल में क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, देखने में लगता है वो HTML की तरह की कोई चीज लगती है जो कि JSX है, लेकिन JSX हम जब कोड लिख रहे होते हैं और जब वो ब्राउजर पे जाता है तो वो उससे पहले उसको कंपाइल कर लेता है, यानी उसको ट्रांसलेट कर लेता है। तो ब्राउजर पे जो चीज जाती है ना वो जाती है प्योर जावास्क्रिप्ट, JSX ब्राउजर पे नहीं चल सकता। ठीक है, जो JSX हम लिख रहे हैं ब्राउजर को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, ये JSX है, दिस इज नॉट HTML। ठीक है, तो जैसे ही हम कोड लिखते हैं JSX का और हम कंपाइल का बटन दबाते हैं, बटन तो नहीं दबाते हैं, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस करते हैं, कंपाइल खुद ही हो जाता है, तो वो कंपाइल हो जाता है रियल जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो वो जरा सा ये ना ट्रांजेक्शन करके बता रहा है कि किस तरह होगा। तो आपने अगर ये लिखा div एक बनाया आपने, देखने में लग रहा है HTML है ये, लेकिन ये क्या है, JSX है। अच्छा अब हम नीचे आए, इसने ना थोड़ा सा यहाँ पे करके बताया हुआ है कि किस तरह ट्रांसफर होगा, लाइन बाय लाइन इस कोड को ये समझा रहा है, तो हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। कह रहा है भाई इंपोर्ट क्या चीज है, लाइब्रेरी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो इंपोर्ट होती है। जब HTML के अंदर हम कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे तो हम क्या करते थे, बूटस्ट्रैप हमने इस्तेमाल करके देखी है सब लोगों ने, हम लिंक उठाते थे HTML में पेस्ट करते थे, वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती थी। अच्छा कोई भी अगर 10-12-15 लाइब्रेरी आपने इस्तेमाल की हुई है तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये जो फंक्शन आपको मिल रहा है ये कौन सी लाइब्रेरी से मिल रहा है, कोई भी नहीं बता सकता।
ठीक है ना, एक ही नाम के दो फंक्शन भी हो सकते हैं, दो अलग अलग लाइब्रेरी से मिल रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसमें ES6 के अंदर ना ये मसला आपका हल हो गया, ES6 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अवेलेबल हो चुका है आपके पास। अच्छा, ES6 से पहले भी ये मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ किसमें था, Node.js में था, ब्राउजर वाले में वो अवेलेबल नहीं था। ब्राउजर वाले में बाय द वे अभी भी अवेलेबल नहीं, सही ना, गूगल क्रोम अभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ES6 सब लोग पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, ES6 को कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि रिएक्ट का जब हम कोड लिखते हैं तो वो कंपाइल होता है, तो वो कंपाइल होकर वो सिंगल फाइल बन जाता है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एट द एंड ब्राउजर तक पहुंचता ही नहीं है, ये हमारे समझने के लिए। खैर, तो हमने जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। अच्छा, शुरू में थोड़ी ये बात अजीब लग सकती है यार, अच्छा अगर 200 लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर 200 इंपोर्ट करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही करेंगे, उससे कचरा बनेगा कोड में, लेकिन उसका जो फायदा है वो उस कचरा बनने से कहीं ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो थोड़ा हमें हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जहां इससे हमें एक फायदा मिल रहा है, वहीं इससे क्या होता है कि कोड हमारा ऊपर जो है वो काफी लंबी एक लिस्ट होती है इंपोर्ट्स की, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है अल्टीमेटली। अच्छा, द हाई कंपोनेंट, एक तो इंपोर्ट हो गया ऊपर, उसके बाद है हाई कंपोनेंट। हाई कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट की पहचान क्या है रिएक्ट के अंदर, हम क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन है, ये तो एक सिंपल फंक्शन है, अब आप कैसे ये बताएंगे कि ये कंपोनेंट है या ये एक सिंपल फंक्शन है। दो पहचान है, सही है। नंबर एक पहचान कि जो फंक्शन JSX रिटर्न कर रहा है वो कंपोनेंट है, और जहां जहां कंपोनेंट का लगाने का ऑप्शन है वहां वहां वो आप लगा सकते हैं। जो भी फंक्शन JSX रिटर्न कर रहा है वो कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर रिएक्ट के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं और उससे JSX रिटर्न करते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट करता है कि उस फंक्शन का नाम आप किससे लिखेंगे, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, उस फंक्शन का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो, जैसे हाई कैपिटल एच से लिखा हुआ है, अगर आपने इसको स्मॉल एच से बनाया तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो ये दो पहचान है, फंक्शन का पहला लेटर कैपिटल होगा और वो JSX रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, और ये दोनों होंगे जब ही वो कंपोनेंट बनेगा, दोनों ही होंगे। अच्छा, अब ये होगा क्या इसके साथ, अब कंपाइलेशन में जो प्रोसेस होगा ना वो यहां पे ये करके बता रहा है। हमने शुरू में ये बात डिस्कस कर ली थी कि अगर हमारे पास HTML बिल्कुल भी मौजूद ना हो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट हो, तो वो हम सारे काम कर सकते हैं जो HTML में होते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्रिएट एलिमेंट, हमने कहा कि डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसको किसी में भी पुश कर दिया, बॉडी में, बॉडी के अंदर कोई दूसरा पैराग्राफ था उसमें पुश कर दिया। तो यहाँ पे देखें, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके ना इनके पास इंटरनली एक फंक्शन बना है, हम वो भी कॉल कर सकते हैं राइटर। अच्छा, उसमें कहते हैं डिव नल और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये कोड जाएगा किसके पास, ब्राउजर के पास, ब्राउजर के पास JSX नहीं जाएगी, ब्राउजर के पास ये कोड जाएगा। ये कोड क्या है, प्योर जावास्क्रिप्ट है, इसमें किसी का कोई शक कि ये जो कोड मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये प्योर जावास्क्रिप्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ये फंक्शन हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये जो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किसके पास है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ये रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट के पास ये फंक्शन पहले से बना हुआ है। ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन एक डिव के नाम का एलिमेंट क्रिएट कर देगा आपको, ठीक है, डिव के नाम का एलिमेंट स्क्रीन पे क्रिएट करके दिखा देगा आपको। अच्छा, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, अभी कंपोनेंट तो जाहिर है बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं आगे चल के, मतलब इतने डिव सिर्फ कॉम्पोनेंट तो नहीं होगा आपको, कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स होंगे मजीद तो। लेकिन रूल सबके लिए यही है, हर कंपोनेंट के अगेंस्ट रिएक्ट के पास ना इस तरह का एक फंक्शन, इस तरह का कोड है वो लग देता है। अच्छा, अब रेंडरिंग, लास्ट लाइन जो हमारे कोड की रेंडरिंग, उसमें क्या होता है, हाई का कंपोनेंट है, इस हाई के कंपोनेंट की जगह पे कौन सा कोड आ चुका है इस वक्त, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। ये नीचे इसी को ना ट्रांसलेट करके इसको नीचे बताया था कि यहां हाई की जगह पे असल में क्या जाएगा ब्राउजर के पास, ये चीज जाएगी असल में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट, ये हमने क्या किया, क्वेरी सेलेक्टर, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं ना, उसी तरह क्वेरी सेलेक्टर भी एक चीज है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भी आई लगा देना तो वो भी चलेगा, सेम चलेगा। तो हमने इसको एज्यूम करें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक एलिमेंट उठा के इसके हवाले कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है रेंडर का फंक्शन, ये करेगा क्या, इसको जो भी कंपोनेंट यहाँ पे मिला है उसको किसके अंदर,
किसके अंदर कर देगा उसको, ये इस कंपोनेंट के अंदर जो भी इस एलिमेंट के अंदर HTML के जो भी इसको मिला है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जब किसी एलिमेंट के अंदर दूसरा डालते हैं, क्या कमांड है उसकी, अपेंड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रूट के नाम से एक आईडी मौजूद है मेरे HTML के अंदर पहले से, वो रूट वाली आईडी उठा के मैंने उसको दी है, सही है, वो रूट जो है वो डिव हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो दी है हमने। ये हाई के नाम से एक बनाएगा एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट के जरिए, और उसके अंदर अपेंड कर देगा। तो रिएक्ट पूरा जो है ना, अल्टीमेटली जो भी कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट यही कर रही होती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डॉम, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल डॉम। HTML के केस में जब HTML का कोड हम लिखते हैं तो डॉम कैसे क्रिएट होता है, HTML के मार्कअप्स के जरिए डॉम क्रिएट होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, हम उसमें से गेट एलिमेंट करके जो चीज सही होती है उठाते रहते हैं। लेकिन इस केस में ये किसने क्रिएट किया है, रिएक्ट ने खुद क्रिएट किया है और प्योर जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अपना बनाया हुआ है और उसको ये क्या करते हैं, इन्होंने थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से बनाया हुआ है और उसको मैनिपुलेट जब करते हैं, उसमें जब चेंजिंग करते हैं तो वो आम तरीके से फास्ट है, ठीक है। एक तो डॉम मैं इस तरह से बनाता हूँ ना कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और डिव बना दिया मैंने, वो तो नॉर्मल डॉम बना है। ये पीछे ना बैकग्राउंड में मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करती है रिएक्ट, जिसके जरिए एक ऐसा डॉम बनता है जो कि एक नॉर्मल डॉम से फास्ट है, ठीक है। जब उसमें हम चेंजेस करते हैं तो वो तेजी से होती है चेंजेस, और प्रोसेसर में थोड़ा कम लोड पड़ता है निस्बतन एक नॉर्मल डॉम में, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये किस पे चलती है, वर्चुअल डॉम पे चलती है। अच्छा, हम वापस जाके देखते हैं जरा इंस्टॉलेशन। वाह भाई, गुड, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी समझने वाली चीज तो नहीं है हमारे पास, योर टर्न, इन्होंने कुछ हमें बताया कि आप ये करें, अभी तो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा ये करना, लेकिन आप घर से ये योर टर्न वाला काम ना, बल्कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि योर टर्न वाला कर लेना, कितने लोगों ने किया, लिख के देखा, ट्राई किया था। खैर, अब हमारे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बन के यहाँ पे आ चुकी है। इस एप्लीकेशन की एक एक फाइल को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से कि भाई इन फाइलों में क्या लिखा है, सही है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा यार, पीछे सीटें खाली हो चुकी हैं, अगर किसी को जाना है तो जाके बैठ जाओ, लैपटॉप वगैरह ले जाओ अपने साथ, गिर ना जाए ना, आ रहे हैं अभी, दोबारा आ रहे हैं। अच्छा चलो, एक को बैठा देते हैं, मस्त है, देखो अच्छा जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक तो है readme.md, ये GitHub से रिलेटेड फाइल है कि readme.md के अंदर जो भी बात मैं लिखता हूँ वो मेरे GitHub के ना रूट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाता है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक लैंग्वेज है खास किस्म की, मार्क डाउन, उस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। ये एम्प्टी का मतलब क्या है, मार्क डाउन है, तो इसमें अगर हैश लगा के लिखता हूँ ना, दिस इज हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये क्या बन के आ जाएगा, बड़ी हेडिंग बना के दिखा देगा, वैसे लिखूंगा तो छोटी छोटे छोटे टेक्स्ट आएगा, यहाँ से मैं इसको देख भी सकता हूँ, इस तरह का कुछ दिखेगा मुझे GitHub में जाने के बाद, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा कि कैसे होता है, अच्छी चीज है, ये देखने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, readme.md हो गया, package.json आप सब लोग जानते हैं कि क्या चीज है, जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं वो सब इसमें ऐड हो जाती है। आप इसमें देखें पहले से डिपेंडेंसीज मौजूद है काफी सारी, ठीक है, जिसमें क्या है, रिएक्ट है, रिएक्ट टॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है। असल में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाने से बेहतर इन्होंने छोटी छोटी को जोड़ के ना, दो तीन को उसको थोड़ा अलग अलग कर दिए, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए जी, एंड ये बता रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ये आर्टिकल जो है ना, इसने आगे बताया है क्रिएट रिएक्ट ऐप, कहीं ना कहीं इसने आगे जाके बताया है। ये रहा, इसी में जाके ना, आगे जाके कमांड, इसी आर्टिकल में इसने npm इंस्टॉल करके बताया। अच्छा, इसने थोड़ा पुराना वाला तरीका बताया जो आज से 4-6 महीने 8 महीने पहले था, क्योंकि ये 2020 का आर्टिकल है ना, ये 6-8 महीने पहले ये चीज खत्म हो चुकी है, अब npx से होगा, तो कोई मसला नहीं है, आप npx इस पे चले जाए, क्रिएट रिएक्ट जो इनका अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है,
क्योंकि हम इतने कोर्स में हमें ये चीज समझ में आ गई है कि कोई भी आर्टिकल हमेशा के लिए नहीं होता, चीजें अपडेट हो जाती है, अल्टीमेटली हमें उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके देखना पड़ता है। तो ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, ठीक है, react.org। तो अल्टीमेटली हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ही जाना पड़ता है, चाहे किसी भी किस्म की लाइब्रेरी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। बुक्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है, यूट्यूब की वीडियोज भी ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर है जो लोग बना रहे होते हैं वो खुद इसको अपडेट करते हैं, तो वो सबसे ऑथेंटिक जगह होती है, हमें अल्टीमेटली वहां पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो ये सारी डिपेंडेंसीज में पहले से मौजूद है, बॉयलर प्लेट में ये चीजें आ जाती हैं सारी हमारी। अच्छा, उसके अलावा स्क्रिप्ट जो हम खुद से लिखते थे, है ना, डेव और स्टार्ट और ये इसमें पहले, ठीक है, मसला हल हो गया हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो फिलहाल अभी मेरे ख्याल है इस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है। उसके बाद पैकेज डॉट लॉक है, लॉक जेसन भी आपको पता है क्या चीज है, जो हम वर्जन इंस्टॉल करते हैं वो एग्जैक्टली उसको लॉक कर देता है वहां, ठीक है, ताकि बाद में कभी npm इंस्टॉल को चलाए और उसमें किसी लाइब्रेरी में कोई ब्रेकिंग चेंजेस आई हो तो वो वाला वर्जन इंस्टॉल ना हो, ब्रेकिंग चेंजेस वाला, ठीक है, वो जो जिस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी वाला है उसी वहीं तक इंस्टॉल हो। अच्छा, और कभी अगर आपको एग्जैक्टली सेम वर्जन इंस्टॉल करना हो तो वो भी लॉक के जरिए आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर भी आप सब लोगों को पता है, गिट इग्नोर में नॉट मॉड्यूल को हम खुद हाथ से डालते थे, इसमें सब कुछ पहले से हुआ है, काफी सारी फाइलें इन्होंने गिट इग्नोर में डाली हुई है, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद है नॉट मॉड्यूल्स, नॉट मॉड्यूल्स भी आपको पता है। अब बाकी रह गया पब्लिक और SRC सोर्स की फाइल। पब्लिक के अंदर जो चीजें हैं ना उसको आपको छेड़ना नहीं है, ये भी बॉयलर प्लेट है, ठीक है, पब्लिक के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब रिएक्ट की हद तक, वैसे तो आइकॉन वगैरह सब इसी में पड़े हैं तो रिप्लेस इसी में करेंगे आप। अच्छा, एक index.html के नाम से छोटी सी फाइल है, ठीक है, इसके अंदर रूट के नाम से एक डिव बनी हुई है, ठीक है, तो ये जो पब्लिक के अंदर जो मौजूद है ना चीज, ये असल में हमारी एप्लीकेशन है ये, लेकिन हम इस एप्लीकेशन के अंदर इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम किस में मॉडिफाई करेंगे, पब्लिक को बंद कर दिया SRC। अब SRC के अंदर कुछ फाइलें हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन सी है। एक तो है इसके अंदर setup test.js, तो ये टेस्टिंग के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें टेस्टिंग वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट वाइटल्स, ये इस यानी कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना उसकी स्टेटिस्टिक्स लेकर जा रही होती है, जिसको एनालिटिक्स के कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्या आ रहा है, हमें फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है logo.svg, index.js, ये है मेरी रूट फाइल SRC के अंदर, ये मेरी रूट फाइल है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इसका नाम क्या है, index.js। इसके अंदर देखें रिएक्ट वगैरह सब कुछ वो हुआ है, रिक्वायर इसमें वेब वाइटल यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्ट वेब वाइटल ये सब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इस फाइल में भी फिलहाल हमें कोई चेंज नहीं करना। इस फाइल में आप नोट करें कुछ JSX लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये जो JSX लिखी हुई है ये एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कहां से आ रहा है, ऐप की फाइल में से आ रहा है, तो हम ऐप की फाइल में चल के देखते हैं हमारा ये बना हुआ कैसे, ठीक है, ये है app.js की फाइल। app.js में आया, इसमें एक बड़ा सारा कंपोनेंट है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उस बड़े सारे कंपोनेंट को रिमूव करके यहां पर लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब आपको ये फाइल सेम उसी तरह की लग रही होगी जो उसने आर्टिकल में बनाकर दिखाई थी, ठीक है, तो यहाँ अभी फिलहाल इस लेवल पे आपको चेंजेस करने हैं, फिर पूरी ऐप आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ में आती जाएगी और हम देखते जाएंगे कि वहां पे क्या होगा। अच्छा, इसको अब चलाना कैसे है, हमें npm start। अच्छा, मुझे cd करके पहले हेलो के अंदर जाना पड़ेगा, फिर मैं करूंगा npm start, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं था ना, उससे बाहर मौजूद था। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है। अच्छा, अब नोट करने वाली बात यहां पे क्या है, ये तालियां बजाने का मुकाम नहीं था भाई, इधर है ना, तालियां बजाने का मुकाम जब होता है, जब मैंने जो कहा था कि सब लोग डिप्लॉय करके लाए,
सब लोग यहाँ पे आके ना मुझे लिंक देते कि सर ये लिंक है, हमने हेलो वर्ल्ड बना के डिप्लॉय कर दिया, फिर बजाता मैं तालियां तुम सब लोगों के लिए। चलो कोई नहीं, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। अच्छा भाई ये हमने बना दिया डिबे कर। अब चूंकि मैं ये बात पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ और आर्टिकल में भी आपने ये पढ़ लिया कि ये डिव ये HTML नहीं है, ये JSX है, सही है, तो इसमें जाहिर है इसके रूल भी बिना HTML वाले नहीं होंगे भाई। ये तो ये वो HTML है जो रिएक्ट वालों ने अपने घर पे तैयार किया, सही है, और इसका नाम रखा है JSX, तो इसमें रूल किसके होंगे, जो वो चाहेंगे वो रखेंगे रूल, ठीक है, जो वो चाहेंगे वो रखेंगे रूल। उन्होंने कहा भाई इसका नाम जो है ना क्या होगा, क्लास नहीं होगा, क्लास नेम होगा इसके अंदर, जैसे हम HTML के अंदर CSS की क्लास लगाते हैं, इन्होंने कहा भाई क्लास नेम होगा, ऐसे होगा। HTML में जिस चीज को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि आईडी दे दी और उसको और क्या क्या एट्रीब्यूट्स देते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट एक दे देते हैं, एट्रीब्यूट में काफी चीजें हम लगा सकते हैं, इसमें एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे उसको। इन्होंने कहा भाई हमने नाम रखा है इसका पैरामीटर्स, ठीक है, इन्होंने बनाई है, इनकी मर्जी है, कुछ भी नाम रखते हैं, इसका नाम ये एलिफेंट रख देते हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने कहा पैरामीटर्स होगा इसका नाम। अच्छा तो पैरामीटर अगर क्लास लगानी है किसी भी कंपोनेंट पे तो क्लास नेम करके होगा। अब देखो ऐप लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऐप के नाम से भी इसने क्लास बनाई हुई है, अब CSS इसमें पहले से बनी हुई है, ये रही। इसमें लगा हुआ है सेंटर, जब भी मेरा टेक्स्ट सेंटर में होकर आ रहा है, ठीक है, मैं इसमें कह दूंगा अगर कि कलर, कलर अगर मैं कह दूंगा रेड तो क्या होगा, वो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक अदर कंपोनेंट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, ऐप कंपोनेंट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ऐप कंपोनेंट। इसको हम कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, ये तो एक फंक्शन है, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो बड़ा है और ये JSX रिटर्न कर रहा है, तो ये दो ही पहचान है कि ये एक कंपोनेंट है। अच्छा अगर मैं इसका ये लेटर छोटा कर दूंगा ना स्मॉल ए, तो ये मुझे एरर दे देगा फौरन, ये देखो एरर देगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो भी हम कोड लिखते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता ब्राउजर पे, वो पहले कंपाइल होता है, मैंने दोबारा से कैपिटल किया, सेव किया, कंपाइल हो गया ये। अच्छा अभी जो कि मेरी छोटी सी ऐप है तो कंपाइलेशन जो है ना वो ठक करके हो जा रही है, पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे जैसे आपकी ऐप थोड़ी बड़ी होगी तो ये 2-3 सेकंड और अल्टीमेटली 2-3 मिनट भी लेगा, ठीक है। फंक्शन और कंपोनेंट में यही फर्क है कि कंपोनेंट एक ऐसा फंक्शन, अगर वो JSX रिटर्न कर रहा है तो उसको कंपोनेंट कहते हैं प्यार से, है वो फंक्शन ही, उसको प्यार से कंपोनेंट बोलते हैं, सही है। अच्छा बच्चा किसको कहते हैं, अच्छा बच्चा किसको कहते हैं आप? देखो अच्छा बच्चा जो है वो प्यार से कहते हैं, ठीक है, उस बच्चे को कहते हैं जो टेस्ट में अच्छे नंबर वंबर मतलब कुछ भी, हर बंदे का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अच्छा बच्चा जो है ना वो स्टिल बच्चा तो वो है, जो अच्छा बच्चा नहीं है वो भी बच्चा है, ठीक है ना, तो ये कंपोनेंट है। टू बी मोर एक्यूरेट इसको हम कहेंगे कॉम्पोनेंट फंक्शन, ठीक है, बाकी सारे फंक्शन है ये कंपोनेंट फंक्शन है, बाकी सारे बच्चे हैं ये अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो प्यार से इसको कहते हैं कंपोनेंट, अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, बट ये हम ऐसे समझने के लिए कि अच्छा भाई जो JSX रिटर्न कर रहा है उसको हम कहेंगे अच्छा बच्चा है, ये फंक्शन ही। अच्छा शुरू में जब रिएक्ट आई थी ना तो उसकी जगह पे क्लासेस होती थी ना, क्लास बेस होता था ये, लेकिन वो बाद में उनको समझ में आया कि ये बेवकूफी कर दी उन्होंने, शशके में आके क्लास क्लास कर ली थी लेकिन हुआ नहीं फिर बाद में, तो इन्होंने कहा भाई लॉर्ड के बुद्धू आ जाए घर को, फंक्शन पे आ जाते हैं वापस। अच्छा भाई तो ये हो गया हमारा काम, अब एक छोटा सा कंपोनेंट तो हमने बना लिया, अब इसके अंदर 2-4 ऐसी चीज है जो हम सीख लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक। अच्छा बेसिक से क्या समझते हो, जब मैं कहता हूँ कि बहुत ही बेसिक है या कोई बंदा कहता है यार दिस इज अ बेसिक कोर्स, वो चीज हर जगह यूज होगी, इतनी आसान है कि पता ही होनी चाहिए। अच्छा जनरल और रूट्स। अच्छा देखो किसी भी चीज को समझना हो ना उसके नाम के अंदर सारी कहानी छुपी हुई होगी, बेस बेसिक बिकम
बेस, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके डेप्थ में जाएं तो बेसिक बिकम बेस, और बेस क्या होता है? बुनियाद होता है, ठीक है? तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी चीज, बेसिक का मतलब जैसे आपने कहा कि पता होनी ही चाहिए बंदे को, तो जाहिर है पहले से तो नहीं होगी, सीखेगा फिर ही पता चलेगी, लेकिन बेसिक चीज वो होती है जो ऐसी चीजें होती है जो बुनियादी चीज होती है, कि आप जितने भी एडवांस लेवल पे चले जाए ना, वो चीज अगर आपको नहीं आई ना तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वो बुनियादी चीज है। और पूरी थ्योरी जो ओवरऑल थ्योरी खड़ी की हुई है उन्होंने, एक रिएक्ट का जो एक क्या उसको कहेंगे हम, एक पूरा एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है रिएक्ट का, उसके जो बेसिस है ना वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक कंपोनेंट के अंदर हम वो करके देखेंगे, लेकिन एंटायरली जो रिएक्ट पूरी खड़ी हुई है ना, पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, वो इन्हीं बेसिस पे खड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिक, ठीक है? जैसे ह्यूमन की बेसिक नीड जो होती है, बेसिक नीड क्या होती है? जो बुनियादी जरूरत, मतलब बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी भी मिल जाए ना तो वो बुनियादी जरूरत स्टिल बुनियादी जरूरत रहेगी, पानी, पानी खाना। भाई बंदे को लैम्बोर्गिनी दे दो, पानी नहीं दो उसको, पेट्रोल तो नहीं पिएगा ना उसमें लैम्बोर्गिनी चूस के, पानी पिएगा ना वो, तो पानी बुनियादी जरूरत है, ठीक है ना, वो रहेगी। तो इसी तरीके से हम ये बेसिक चीज समझ रहे हैं, वो हम क्या समझ रहे हैं, अब वापस आ जाते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। अच्छा भाई साहब, कितना लंबा आर्टिकल है, हम इसको पूरा नहीं कवर करेंगे क्योंकि हम रिएक्ट पूरी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चैटबॉट का कोर्स है, वॉइस एप्लीकेशन का कोर्स है, तो हम जस्ट इसमें ना हमारा गोल क्या होगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हमारा गोल है वो होगा चैट एप्लीकेशन हम बना लें इस पर, और फिर उस चैट एप्लीकेशन को हम कनेक्ट मारेंगे डायलॉग फ्लो से, और फिर हम पूरा डायलॉग फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है? रिएक्ट हम पूरी कवर नहीं कर रहे, कोर्स आउटलाइन में भी मैंने मेंशन किया था कि रिएक्ट का क्या है, सिर्फ ओवरव्यू है, वन टू वन चैट नहीं है ना इसमें, ह्यूमन टू कंप्यूटर है, ठीक है? आप कुछ बोलोगे कंप्यूटर जवाब देगा, फिर आप कुछ बोलोगे कंप्यूटर, मतलब एक रिक्वेस्ट पे एक ही आंसर आता है ना चैटबॉट, क्योंकि अभी जो राइट नो चैटबॉट मौजूद है मार्केट में वो प्रोएक्टिव नहीं है। एक होता है एक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों को आमतौर पर कहते हैं ना, ये प्रोएक्टिव बच्चा, किसको कहते हैं वो, किस किस्म के बच्चे को कहते हैं प्रोएक्टिव है ये, सवाल से पहले जवाब देने वाला बच्चा जो होता है, ठीक है ना? मकसद आप किसी बच्चे को बोला बेटा इधर आओ, वो खुद ही बताया मैं थ्री क्लास में पढ़ता हूँ सही है ना, उसको पता है यही पूछेगा बंदा, और अपने स्कूल का भी नाम बताया, अपना भी नाम बताया, बोले बस हो गया, बस सामने से बंदा मुंह देखता रह जाएगा, यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव बच्चा है ये। तो हमारे पास जो चैट बॉट है ना वो इस वक्त प्रोएक्टिव नहीं है, आप पूछेंगे तो जवाब देगा, वरना वो ठंडा पड़ा। एलेक्सा में हम देख चुके हैं, एलेक्सा बगैर पूछे कुछ बोलती है, नहीं बोलती, सही है ना? तो अभी ज्यादा फ्री हमने नहीं कराया चैटबॉट को, अभी जब पूछते हैं उतना जवाब देते हैं बस। तो हमारा वन टू वन चैट नहीं बनेगा, हमारा ये बनेगा कि वन साइडेड होगा ये चैट, यानी कन्वर्सेशन स्टार्टर जो होगा वो कौन होगा, स्टिल अ ह्यूमन। अच्छा भाई, व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट, अच्छा ये हमने कोड समझ लिया, हाई कंपोनेंट समझ लिया, और रेंडरिंग हमने समझ ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो फैक्टर ये नोट करवा रहा है कि दिस कोड इज अ प्योर जावास्क्रिप्ट कोड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये अलग से इसने पूरा बताया था। अच्छा, यू डोंट कॉल योर ओन कंपोनेंट, रिएक्ट डज। हम जो कंपोनेंट बनाते हैं उसको कौन कॉल करता है, हम कॉल नहीं करते, रिएक्ट कॉल करता है। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था, ये जो बंदा है ना जिसने आर्टिकल लिखा है, ये उस टीम में जो रिएक्ट को लाइब्रेरी मानते हैं, ठीक है? तो एक अच्छा जो क्या कहते हैं, क्लेम करने वाला जो बंदा होता है, अच्छा राइटर या अच्छा ऑथर होता है, वो सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स भी सामने रखता है, ठीक है ना, कि भाई मेरा ये मौकफ है और लोग इस पे ये एतराजात करते हैं, तो उनका भी मौकफ इसने रखा है सामने, कि यार ऐसी चीज को तो हम फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है ना, कि हम कोड लिख देते हैं, कॉल फ्रेमवर्क करता है, हम उसको पकड़ा देते हैं, वो कॉल करता है, इसको तो फ्रेमवर्क कहते हैं। तो ये वो भी कह रहा है कि नोटिस हाउ यू आर पासिंग हाई फंक्शन इटसेल्फ, सही है, आल्सो नोन एज अ रेफरेंस ऑफ दैट फंक्शन इनटू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कह रहा है कि आप तो पास कर देते हैं उसको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को, वी आर नॉट कॉलिंग हाई, हम हाई को कभी भी हम कॉल नहीं कर रहे हैं। नमाज का टाइम हो गया,
अच्छा यार ऊपर जगह होगी इतनी, इस क्लास के लिए रखा है सर। चलो भाई हम लोगों के लिए रिजर्व हो गई है जगह, तो फटाफट नमाज पढ़ के आ जाओ। अभी हो रहे हैं 8:06, हम 8:15 पे दोबारा मिलते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो हम वापस आ चुके हैं सारे लोग क्लास में, हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा जहां से हमने छोड़ा था। कि ये दो बातें इसने बताई हैं, एक तो दिस कोड इज रियल जावास्क्रिप्ट, और दूसरा कि भाई कंपोनेंट को आप खुद नहीं कॉल करते, कंपोनेंट को कौन कॉल करता है, रिएक्ट कॉल, ठीक है। लेकिन कॉल जावास्क्रिप्ट के तरीके से ही करता है, कोई नया तरीका नहीं है, इस वजह से इसको फ्रेमवर्क नहीं कह रहा, ये कह रहा है लाइब्रेरी रही। अच्छा, अब इस कंपोनेंट को डायनेमिक और रीयूजेबल कैसे बनाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फंक्शन के अंदर, बल्कि मेरा ख्याल है इतने को पहले होस्ट करके देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाता है। अच्छा, होस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। जो स्टेटिक होस्टिंग कोई सी भी है, स्टेटिक होस्टिंग कोई सी भी है, उस पर यह बहुत आसानी से होस्ट हो जाता है। नाम बताओ किसी स्टेटिक होस्टिंग का, सर्च, ठीक है, SERG सर्च, राइट, जो भी है की बात है। वे, ये तो कुछ और फैब्रिक है। ये SURG, ये भी URG है। ओ, अरे बच्चे को लगा। ठीक है, सर्च मैंने भी कभी यूज नहीं किया, आपके सामने मैं भी पहली दफा ही सर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसने कहा npm install global और search, ठीक है जी, ये मैंने लिखा, मैंने इसको क्या किया, स्टॉप कर दिया जो भी कुछ चल रहा था मेरे पास। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखिएगा प्लीज, कि ये जो रिएक्ट मैं अभी रन कर रहा हूं, ये इस तरह से मैं क्लाउड में कहीं पे भी भेज ही नहीं सकता, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, npm run build, क्योंकि React का जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो as it is ब्राउज़र पे नहीं चल सकता, क्योंकि वो JavaScript नहीं है, वो तो JSX है, JSX ब्राउज़र को नहीं पता, मुझे उसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलर कौन है, React खुद ही है कंपाइलर, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा npm run build। अच्छा, आप नोट करें इस फोल्डर के अंदर कहीं पे भी बिल्ड के नाम से या प्रोडक्शन के नाम से कोई फोल्डर नहीं है। जैसे ही मैं बनाऊंगा ये कमांड रन करूंगा, यहाँ पे बिल्ड के नाम से एक फोल्डर बना हुआ आ गया, जो कि गिट इग्नोर में शामिल है। ये गिटहब की रिपोजिटरी पे बाय डिफॉल्ट पुश नहीं होता, ठीक है। अगर आपको गिटहब में पोस्टिंग करनी है तो इसपे से गिट इग्नोर हटाना पड़ेगा आपको, लेकिन फिलहाल हम गिटहब में नहीं देख रहे, फिलहाल हम सर्च में और फायरबेस में, इन दो जगहों पर हम होस्टिंग यहाँ पे करके एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जनाब मेरी बिल्ड कंप्लीट हो गई है, और बिल्ड कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ठीक है, बिल्ड कंप्लीट हो गई है मेरी। अब मेरे पास बिल्ड के फोल्डर में जो चीज बनी है वो क्या है, वो एक मुकम्मल वेब एप्लीकेशन है, वो क्या है, एक मुकम्मल वेब एप्लीकेशन है। अब मैं कहीं पे भी क्लाउड पे अगर इसको होस्टिंग के लिए भेजूंगा तो मैं सिर्फ ये फोल्डर भेजूंगा, कोई दूसरा फोल्डर भेजने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई दूसरा फोल्डर मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो बिल्ड के फोल्डर में है ना, आप बिल्ड का फोल्डर किसी को जिप करके भेज दें, वो डबल क्लिक करेगा डायरेक्ट खुल जाएगा, जैसे HTML की ऐप खुलती है, HTML की ऐप की तरह डायरेक्ट खुलेगा, ठीक है। जो लाइब्रेरी, जो कुछ XYZ उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो सब बिल्ड के अंदर ही मौजूद है। कभी भी क्लाउड पे होस्टिंग करने के लिए मैं बिल्ड के अलावा कोई दूसरा फोल्डर नहीं भेजूंगा, अगर आपने भेजा है तो ये आपके लिए वल्नरेबल है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ आपके सामने, मैंने सर्च कभी भी यूज नहीं किया, पहली दफा कर रहा हूं। मैं ज्यादातर फायरबेस होस्टिंग करता हूं, क्योंकि फायरबेस की होस्टिंग काफी सही है, डेटाबेस उनका बड़ा अजीब है, कचरा है, लेकिन होस्टिंग काफी सही है। अच्छा, मैंने सूडो नहीं लगाया, -G करके कोई भी चीज करनी हो मैं पहले सूडो लगाऊंगा, अदरवाइज वो इस फोल्डर के अलावा किसी और फोल्डर का परमिशन नहीं देता, ठीक है जी। सर्च मेरे पास इंस्टॉल हो गया, अब मुझसे कह रहा है ये कि कैसे करूं मैं, सिर्फ सर्च लिखूं किसमें जाके, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाके, और ये कह रहा है हो जाएगा आपको। मैंने सर्च लिखा और एंटर किया, कहां पे किया, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, मुझसे ये ईमेल पूछ रहा है।
ठीक है, अरे पासवर्ड ऐसे ही मैंने रैंडम कोई पासवर्ड लिख के भेजा है। लॉगिन और क्रिएट अकाउंट यूजिंग सर्च बाय एंट्रिंग योर, अच्छा मैंने पासवर्ड डाला तो क्रिएट हो गया मेरा अकाउंट, सही है भाई। अच्छा जी यार कोस्ट हो ना तुम अभी भी, एक्सेप्ट। अच्छा जी ये मेरा कह रहा है कि अकाउंट जनाब क्रिएट हो गया, डोमेन क्या है लोनली मूव, मैंने इसको कह दिया मलिक मूव, एंटर, अपलोडिंग। ये क्या हुआ है, पूरी ऐप ले गया मेरी। पब्लिश हो गया, ओपन करके देखता हूँ। देखता हूँ खुलती है नहीं खुलती है। ये सर्च वैसे समझदार है, इसको पता चल जाता है, नहीं पता चल रहा इसको। बिल्ड में मुझे जाके करना होगा, इस वजह से नहीं हुआ ये, क्योंकि मैं भी ये पहली दफा यूज कर रहा हूँ, मैंने भी आज से पहले इसको यूज नहीं किया। सी डी बिल्ड एंटर, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर्च एंटर करता हूँ दोबारा से। मुझे लगा दरमियान में कहीं पूछेगा मुझसे कि बिल्ड का फोल्डर आपका कौन सा है वो बता रहा, इसने पूछा ही नहीं, डायरेक्ट चला गया वो। अच्छा आपकी बार ये ले रहा है टाइम, ये क्या सीन है भाई। ठंडा ही हो गया। चला भाई चलो। ओ अच्छा ये सबसे फर्स्ट पे जो मुझे पूरा लिंक दे रहा है प्रोजेक्ट का, ये मुझसे असल में बिल्ड का पाथ ही तो पूछ रहा है, सही है। तो अभी मैं ऑलरेडी बिल्ड में मौजूद हूँ तो उसको पता चल गया, एंटर। ठीक है भाई डोमेन इज द फर्स्ट, ने दोबारा नया दे दिया यार, बड़े फारिग डोमेन है इनके पास। अच्छा तो ये इसने मुझे फिर नया डोमेन दे दिया, अब मैं इस डोमेन पे जाके देखता हूँ होपफुली इस दफा। हाँ भाई चलो भाई मेरी ऐप क्या हो गई, डिप्लॉय हो गई इस वाले में। तो ये इतना आसान है इसको किसी भी स्टेटिक होस्टिंग पे डिप्लॉय करना। अच्छा यही काम है फायरबेस होस्टिंग भी कर लेते हैं हम। फायरबेस कॉन्सोल में जाएंगे आप, एक वहां पे गूगल का क्योंकि प्रोडक्ट है तो गूगल से ही साइन अप होगा इसके ऊपर। इसमें मेरे पास पहले से इतने सारे बने हुए, मैंने एक प्रोजेक्ट नया बना लिया, मैंने कहा भाई सैलानी ठीक है रिएक्ट हेलो डैश वर्ड ठीक है, क्रिएट कर दी मैंने ऐप। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई ये इनेबल करो, मैंने उसको हटा दिया, असल में वो इनेबल करके ना करता ना तो लंबी करता है बिला वजह। तो मैंने क्या कर दिया एक सिंपल सा प्रोजेक्ट इसके अंदर बना दिया ठीक है फायरबेस के ऊपर। हम क्या करना सीख रहे हैं रिएक्ट की एक हेलो वर्ल्ड की ऐप को डिप्लॉय करना सीख रहे हैं। प्रोजेक्ट इज रेडी, जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी हुआ मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, होस्टिंग पे क्लिक किया मैंने ठीक है। अच्छा अब आपको यहां से कोई भी काम नहीं करना, यहाँ पे होस्टिंग पे सिर्फ दिखता है आपको, काम सारा सीएलआई से होता है। सीएलआई कौन सी है इसकी, ये गेटिंग स्टार्टेड का बटन जैसे ही मैंने दबाया ना इसने कहा भाई ये सीएलआई आप इंस्टॉल कर लें, इससे होगा जो भी काम होगा। मैंने कॉपी किया और मैं इस सीएलआई को इंस्टॉल कर लेता हूँ, कैसे मुझे सूडो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लोबल इंस्टॉल हो गई ठीक है। सूडो करके मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया इस सीएलआई को एक दफा। सूडो मैक में और लिनक्स में आपको जब भी कोई ग्लोबल ऑपरेशन करते हैं तो सूडो लगाना पड़ता है ठीक है, सुपर यूजर एक्सेस एक्चुअली वो है, सुडो है ना सुपर एस यू और डू, सुपर यूजर के तौर पर आप वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, अब मैं नेक्स्ट किया, मैंने कहा ठीक है भाई मैंने इंस्टॉल तो कर लिया, उसने कहा फायरबेस लॉगिन करो।
फायरबेस लॉग इन करूंगा, वो ब्राउजर खोल देगा, ब्राउजर पे मुझसे कहेगा ओके कर दो, लॉग इन हो जाएगा इतना इजी करके। ठीक है भाई, तो मैंने कहा लॉग इन, ठीक है भाई, मैंने कहा फायरबेस लॉग इन एंटर। अच्छा ये कह रहा है पहले से लॉग इन है, आप लोगों के केस में ब्राउजर का पेज खोलेगा, आप ओके करेंगे वापस यहीं पर आ जाएगा, आसान है बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, फायरबेस इनिट, फायरबेस इनिट, अच्छा मुझे ये बिल्ड के फोल्डर में रहते हुए नहीं करना, मुझे क्या करना है सीडी डॉट डॉट रूट पे करना है, वर्किंग डायरेक्टरी में ये काम करना है मुझे। ठीक है, मैंने कहा फायरबेस इनिट एंटर, ठीक है फायरबेस इनिट हुआ, तो आप देखें यहाँ पे फायरबेस डॉट डीबग लॉग के नाम से एक फाइल बन गई है। ये डीबग लॉग भी क्या है, इसको गेट इग्नोर में रखना होता है, ये किसी काम की फाइल नहीं है, इसमें एरर वगैरह जो आता है ना वो इसमें जाके वो सेव कर देता है एरर्स वगैरह। अच्छा जी, अब मुझसे ये पूछ रहा है, क्योंकि फायरबेस की होस्टिंग के अलावा भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, तो मुझसे ये पूछ रहा है आपको क्या करना है फिलहाल। मैंने कहा होस्टिंग, होस्टिंग पे आके मैंने स्पेस का बटन दबाया तो उस पर चेक लग गया और एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे करना है या नया प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने अभी अभी बना लिया एक प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जैसे ही मैंने कहा, ये कह रहा है मुझे आईडी बता दो उस प्रोजेक्ट का, तो यहाँ आईडी आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है सैलानी डैश रिएक्ट डैश हेलो डैश वर्ल्ड, जो भी मैंने अभी लिखा था आईडी वो आ रहा है, मैंने कॉपी करके वो आईडी इसको मैंने यहाँ बता दी। ठीक है जी, आईडी मैंने इसको बता दी। अब मुझसे ये क्या पूछ रहा है, अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई डू यू वॉन्ट टू यूज योर पब्लिक डायरेक्टरी, जो पब्लिक के नाम से डायरेक्टरी बनी हुई है क्या वो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप। मैंने कहा नहीं, पब्लिक वाली नहीं है, मेरे डायरेक्टरी का नाम है बिल्ड एंटर। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगर सिंगल पेज एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे जो पेज नहीं बना हुआ है उसके अगर उस पे जाने की कोशिश करे बंदा तो क्या करे, सिंगल पेज में ही होता है कि वो इंडेक्स पे लेकर आ जाता है। मैंने कहा नहीं, बाय डिफॉल्ट भी क्या नो है, मैंने कहा नो, सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड विद गिटहब, इसको आप यस कर सकते हैं, वो गिटहब से ऑटोमेटिक सेटिंग बना देता है, लेकिन फिलहाल इसको भी मैं नो करता हूँ। ठीक है, ये आप सब ट्राई जरूर कर लीजिएगा कि गिटहब से कैसे कनेक्ट होकर चलता है, बस आपको यस करना है, बाकी काम सारा वो खुद करेगा, एक फाइल बना देगा आपके उस पर, और जब आप गिटहब में पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जैसे गिटहब में पुश करेंगे फायरबेस पर डिप्लॉय भी कर देगा आपकी। ठीक है जी, अच्छा कह रहे हैं कि फाइल जो है ना इंडेक्स की वो पहले से मौजूद है, तो क्या उसको ओवरराइड कर दूं मैं अपने मार्केटिंग वाली वेबसाइट से, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मेरी ऐप है, इसको ओवरराइड नहीं करो, तो इसको भी मैंने कहा नो। अब मेरे पास फायरबेस इनिशियलाइज हो गया और जो भी बातें मैंने कही थी वो किसमें आ गई, दो फाइलों में आ गई, ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी आ गई फायरबेस आरसी और फायरबेस डॉट जेसन में, वो सारी बातें आ गई जो मैंने इसको वक्तन फवक्तन मुझसे इसने पूछी थी कि पब्लिक कौन सा है बिल्ड है, इग्नोर क्या करना है फायरबेस डॉट जेसन नॉट मॉड्यूल सब, तो ये सारी बातें यहाँ सेव हो गई जो जो मैंने उसको अभी डिटेल बताई है। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, फायरबेस डिप्लॉय करना है। फायरबेस डिप्लॉय जैसे ही मैं करूंगा तो वो इस वेबसाइट को उठा के लेकर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले भी बिल्ड चलाना जरूरी है। मैं एक दफा चूंकि बिल्ड चला चुका हूं, तो बिल्ड आप चलाएंगे उसके बाद ही डिप्लॉय करेंगे, चाहे सर्च पे करें चाहे फायरबेस पे करें। ठीक है, बिल्ड का फोल्डर मेरे पास मेरे सामने नजर आ रहा है बना हुआ, तो मेरे पास बिल्ड का फोल्डर मौजूद है। अच्छा, आपने कोई चेंजेस की और आपने डिप्लॉय किया, वो चेंजेस वहां पहुंचेगी नहीं, आपको बिल्ड चलाना पड़ेगा जब वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अभी अगर मैं कोई चेंजेस करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं क्लाउड पर डिप्लॉय करूं, तो उसका वर्क फ्लो क्या होगा, चेंजेस करूंगा बिल्ड चलाऊंगा npm run build और फिर डिप्लॉय करूंगा। ठीक है जी, तो ये वर्क फ्लो है। अच्छा, अब ये डिप्लॉय कह रहा है कंप्लीट हो गया, तो मैं वापस आता हूं फायरबेस, मैंने कहा नेक्स्ट और मैंने कहा कंटिन्यू द कंसोल, मैंने कहा मैंने सब कुछ कर लिया जैसा आपने बताया था। अब यहाँ पे देखें ये URL दिख रहा है मुझे, कह रहा है ये दोनों URL दोनों सही है, कोई भी क्लिक करो चले जाओ, मैंने क्लिक किया और ये मेरी ऐप खुली, सही है जी। तो हमने फायरबेस होस्टिंग पे भी डिप्लॉय करके देख लिया, सर्च पे भी करके देख लिया, एक नेटलीफाई के नाम से वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गिटहब पेजेस पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्ड का जो फोल्डर है वो क्या है, बिल्ड का जो फोल्डर है वो क्या है, एक अदद HTML की ऐप है वो, तो जिस तरह HTML की ऐप होती है उसी तरह वो भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप सिंपल गिटहब में जाएंगे, पेजेस के फोल्डर में जाके, यानी पेजेस का जो सेटिंग में बना हुआ है वहां जाके आप कहेंगे कि मेरा फोल्डर कौन सा है, आप कहेंगे स्लैश बिल्ड है, वो मेरा फोल्डर है।
चल गई आपकी एप्लीकेशन, आसान है, या वो भी करके दिखा दूंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि सर्च, फायरबेस होस्टिंग, ये दोनों हमने यहाँ पे करके देख लिया। नेटलीफाई पे भी करके देख लेना, वो भी एक ऑप्शन है। गिटहब पेजेस पे भी कर सकते हैं आप, वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। गिटहब पेजेस आप पहले भी कर चुके हैं, ये मैं कॉन्टेक्स्ट आपको याद दिला रहा हूँ कि गिटहब पेजेस पे पहले भी आप कर चुके हैं। तो ये चार ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही फ्री है, आप यहाँ पे अपनी स्टैटिक होस्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं चार्ज करेगा आपसे, ठीक है जी। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं जहां से हम छोड़ के इसको गए थे, कि भाई अब एक कंपोनेंट तो मेरा बन के तैयार हो गया, सही है, सब लोगों की तवज्जो मौजूद है यहाँ पे। एक कंपोनेंट मेरा बन के तैयार हो गया है, तो ये बार बार क्लेम करते हैं रिएक्ट वाले कि कंपोनेंट रीयूजेबल है। वो रीयूजेबल कैसे है, तो उसकी मिसाल इसी तरह है, चूंकि कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शन है, उसको प्यार से कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अगर वो जेएसएस रिटर्न करे उसको प्यार से कंपोनेंट कहते हैं। तो अब हमारे पास जो फंक्शन मौजूद था जो क्या रिटर्न करता था, हम देख लेते हैं क्या रिटर्न करता था, आ जाते हैं app.js में। ये करता था रिटर्न एक डेव और उसके अंदर लिखा होता था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मुख्तलिफ लोगों के लिए क्या करे, मुख्तलिफ चीजें रिटर्न करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इनपुट दे सकता हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है। इसने एक सिंपल फंक्शन बनाया, उसमें लिखा हुआ था हाई डेव, फिर उसने उसी फंक्शन को क्या किया, पैरामीटर ले लिया और हाई प्लस पैरामीटर, जो नाम देंगे उसको हाई बोल देगा ये। अच्छा, ये तो सिंपल फंक्शन है। अब ये चीज कंपोनेंट में कैसे होगा, ये देख लो कैसे होगा, ठीक है। एक हाई का कंपोनेंट है अभी हमारे पास जो बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हाई के कंपोनेंट में हमें प्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है। प्रॉप्स किसको कहता है, ये HTML में क्या होता है प्रॉप्स, ये जिसको प्रॉप्स कह रहा है HTML में उसको क्या कहते हैं, आईडी जो देते हो क्या बोलते हैं उसको, HTML में जो आईडी पास करते हो उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, सही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इसमें एट्रीब्यूट को ये क्या कहता है, पैरामीटर्स या प्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, पैरामीटर या प्रॉपर्टीज एक ही बात है, तो उसको ये पैरामीटर्स कहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब हाई का फंक्शन चलेगा तो इसमें वो प्रॉप्स कोई पास कर सकता है, अभी किया नहीं है किसी ने लेकिन कर सकता है, ठीक है। वो प्रॉप्स हम पकड़ के ना उसको यहाँ डिस्प्ले भी कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है, एक ही बात है। अब ये वाला काम हम अपने कोड में आगे कर लेते हैं, क्या ख्याल है, कर लें, आ जाते हैं। अब यहां पे मैंने कहा प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स मुझे मिला करेगा, यहां पर प्रॉप्स मुझे क्या होगा, मिला करेगा। अच्छा, अब आप नोट करें, अब हेलो वर्ल्ड मुझे नहीं कहना, आप क्या कह रहे हैं, हेलो प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, मतलब नेम के नाम से किसी ने कोई चीज पास की है, क्योंकि प्रॉप तो बहुत सारा भी दे सकता है ना, आईडी भी दे दिया, नाम भी दे दिया, क्लास भी दे दिया, सब दे दिया, तो एक एक मुझे इसी तरह करके मिलता रहेगा, ठीक है, नेम लिखूंगा तो नेम मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या अभी इसको कॉल करते हुए किसी ने नेम पास किया है, नहीं किया, ये कॉल हो कहां पे रहा है मैं तो ये भी नहीं पता। index.js पे चलते हैं, यहां पे ये कॉल हो रहा है, ठीक है, इसमें मैं क्या पास कर देता हूं, नेम पास कर देता हूं। इसमें मैंने क्या पास कर दिया, एक अदद एट्रीब्यूट पास कर दिया, लेकिन JSX में उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स या प्रॉप्स कहते हैं, वो मैंने पास कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे यहां पे ये नेम मिलना शुरू हो जाना चाहिए। चलाते हैं जी, देखते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैक्सिमम कितनी बार डिप्लॉय कर सकते हैं, किसने सवाल पूछा ये, देखो फायरबेस के ऊपर तो डिप्लॉय आप जितनी दफा चाहें कर सकते हैं, मसला नहीं, ठीक है, वो उसी को अपडेट करता रहता है, पुराने को हटा के उसी को अपडेट करता है। सर्च में इन्होंने कोई दूसरा किया है कि, क्योंकि मैंने दो बार डिप्लॉय किया उसने दो नया मुझे वो दे दिया, तो ये मुझे कोई बात समझ में नहीं आई कि ये क्या चक्कर है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं प्रोडक्शन में क्लाइंट्स के लिए फायरबेस होस्टिंग यूज करता हूँ, बहुत सही चलता है, ठीक है। और फायरबेस होस्टिंग के अलावा अगर मुझे कोई यूज करना पड़े तो फिर मैं करता हूँ हरिको पे ही होस्ट कर देता हूँ जी, देना पड़ता है। अच्छा, सेम नाम दूंगा तो पुराने को हटा देगा, गुड यार इन्होंने बता दिया। तो सर्च में भी सेम है, फायरबेस वाला ही चक्कर है, यानी एक स्टैटिक होस्टिंग में यही होता है आमतौर पर।
तो ये कह रहे हैं कि वही सेम यूआरएल अगर आप देंगे तो उसको हटा देगा, अदरवाइज नया दिया तो क्रिएट कर देगा। और ये लॉजिकल भी बात है क्योंकि मुझसे उसने कहा पासवर्ड एंटर करो, अगर पहले से अकाउंट होगा तो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज साइन अप हो जाएगा। तो हर चीज ऑटोमेटिक ही हो रही है उसके अंदर सर्च में। अच्छा चलो भाई बेहतरीन हो गया ये। मैंने कहा एनपीएम स्टार्ट, इसको मैंने डेवलपमेंट में दोबारा से रन कर लिया, ठीक है। अब इसमें अब इसने मुझे क्या कहा, हेलो मलिक, ठीक है। अब मैं यहां से नेम की जगह पे जो भी चीज पास करूंगा वो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, हेलो अली, अली हो गया यहाँ, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, चार दफा कॉल करूं, अलग अलग नाम दे दो, ठीक है, चार दफा कॉल किया, अलग अलग नाम दे दिया मैंने, समझ आया सबको, एक ही कंपोनेंट था। अच्छा अभी ये कोई बहुत बड़ा फैंसी कंपोनेंट नहीं है, छोटा सा है, वो जो भी उसको नाम देते हैं ना वो हेलो करके उसका नाम डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने कंपोनेंट बना दिया, उसको रीयूजेबल कर दिया। अच्छा अब सवाल ये आता है, ये तो चलो समझ आ गया, एक ही कंपोनेंट था उसको हमने चार दफा कर दिया, ये अलग अलग फाइलों में बना हुआ, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सेम फाइल में भी हो सकता था ये काम, बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके ये अलग अलग फाइलों में, तो उसको इसी तरह फिलहाल डाइजेस्ट करें क्योंकि जाहिर है ये फास्ट ट्रैक है हमारा, ठीक है जी। ये यहाँ पे रेंडर जो फंक्शन है ना, डॉम रेंडर जो है, रेंडर को हमने ये पास किया कि इतनी दफा इस कंपोनेंट को लिख दो, बना दो। अच्छा तो ये तो हमने देख लिया कि भाई जो भी प्रॉप्स वहां से पास करेंगे वो प्रॉप्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, उसको मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ इस तरह। अब ये डिस्प्ले जो है ये इस तरह जावास्क्रिप्ट में तो नहीं होता जिस तरह ये करवाया हुआ है मैंने। चलो अगर मैं डॉलर करके और ऐसे करके करता हूँ समझ में आता है कि भाई ES6 में स्ट्रिंग टेम्पलेट्स हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग मन जाना है। इस तरह करके जावास्क्रिप्ट में तो नहीं डिस्प्ले होता कि भाई ब्रैकेट लगाई लिख दिया कुछ भी, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये JSX का सिंटैक्स है, ये क्या है, JSX का ये सिंटैक्स है, JSX को लिखने का यही तरीका है कि आपको अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, वैसे तो JSX में क्या है HTML की तरह मार्कअप्स की तरह लिखते चले जाओ, लेकिन अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के वो लिख देंगे वहां पर। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ ऊपर कोई वेरिएबल होता मैंने कहा वार और क्या एज, वार एज इक्वल्स टू 45 मिसाल के तौर पे, तो अब ये एज अगर मुझे डिस्प्ले करना है, अगर ये एज मुझे कहाँ डिस्प्ले करना है, हेलो से पहले, तो हेलो से पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, इसको लिख दूंगा एज, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया एज यहाँ पे। इसी तरह कोई भी जावास्क्रिप्ट अगर लिखनी है ना, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट वहां पे। अच्छा तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट भी मैं लिख सकता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई अगर एज क्वेश्चन मार्क सॉरी एज अगर लेस देन 40 है, ठीक है, तो क्या करो, अंडर अंडर 40 ये रिटर्न कर दो यहां पर, अदरवाइज क्या कर दो, ओवर एज। ये मैंने एक ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट क्लोज की, पूरी जावास्क्रिप्ट लिख दी वहां पर। अब वो वेरिएबल के बेस पे क्या करेगा, या तो अंडर 40 या तो ओवर एज बता देगा, ये लो भाई ओवर एज आ गया, 45 है क्योंकि, हाँ क्या नहीं लगा सकते, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा लेते हैं, ये लो, ठीक है। मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है यहाँ पर, और ये क्या रिटर्न करता है, फंक्शन फंक्शन कुछ रिटर्न भी तो करता होगा ना, कुछ भी टेक्स्ट रिटर्न करता है रैंडमली, सही है। अच्छा ये मैंने ब्रैकेट डबल कर दिए, हाँ भाई सही है, फंक्शन लिख दिया आपकी बार मैंने, और फंक्शन क्या करता है, कोई रैंडम टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है फंक्शन मुझे। इसमें मैं कुछ अच्छा सा लिख देता हूँ ना, सैलानी लिख दिया मैंने ताकि पता भी चले ना लिखा हुआ, ठीक है। देखो सैलानी भी बीच में आ गया,
सही है, लेकिन ये अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसको हटा दो। अच्छा तो हमने क्या देखा, जेएसएक्स में क्या तरीका मौजूद है हमारे पास, के ब्रैकेट, बड़ी वाली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, बीच में जो भी जावास्क्रिप्ट चाहो लिख दो। आसान तरीका है ये, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब आगे आर्टिकल में देखो ये क्या कह रहा है। ये तो तरीका सब लोगों को समझ आ गया कि प्रॉप्स से भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि प्रॉप कैसे मिलता है, एट्रीब्यूट के तौर पे जो देंगे वो प्रॉप में मिल जाएगा, और उसके अलावा भी कोई भी जावास्क्रिप्ट हो, वो ब्रैकेट ओपन क्लोज किया बीच में आप प्रिंट करवा दो, मसला ही नहीं है कोई। अच्छा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो इसी तरह हमने भी पास किया ना इसमें एट्रीब्यूट, जैसे इन्होंने करके बताया, ये हमने करके देख लिया, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जनाब आप ना इस तरह करके 1 2 3 4 जितने पैरामीटर चाहें आप एक कंपोनेंट को पास कर सकते हैं। आप क्या चाहें, जितने पैरामीटर चाहें आप एक कंपोनेंट को पास कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है। तो हम भी कर देते हैं 3 4 5 6 पास कर देते हैं। अच्छा तो हम क्या करते हैं, हम इसको बिजनेस कार्ड बना देते हैं इसका नाम, ठीक है, ऐप से हटा के ना हम क्या कर देते हैं इसका नाम, बल्कि एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, सही है, एक नया कंपोनेंट, इसको ऐप को छोड़ देते हैं, वैसे ही इसकी जान छोड़ देते हैं, इससे सब हटा देते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं बिजनेस कार्ड। कैसे बनेगा बिजनेस कार्ड का कंपोनेंट, ठीक है, ये बिजनेस कार्ड के नाम से एक कंपोनेंट बन गया मेरे पास, इसको दोबारा मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूं। अच्छा मैंने एक नया कंपोनेंट बना दिया बिजनेस कार्ड, कंपोनेंट की पहचान क्या है, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और रिटर्न वो क्या करेगा, जेएसएक्स, तो ये मेरा क्या है, कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये कंपोनेंट है। लाइन नंबर 14 से लेके लाइन नंबर 21 तक की जो चीज मौजूद है ये एक कंपोनेंट फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कंपोनेंट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर चाहिए ये, इसका क्लास नेम वगैरह मैं हटा देता हूं। इसमें मुझे सबसे चाहिए नेम, चाहिए props dot name, बंदे का भाई नाम होता है ना बिजनेस कार्ड में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा br, ठीक है, br से एक लाइन ब्रेक की मैंने। उसके बाद मैंने कहा कि यार नेम के बाद क्या होता है, एज नहीं, बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, डेजिग्नेशन होती है, ठीक है, बल्कि डेजिग्नेशन में बस डायरेक्ट हम लिख देते हैं props dot des, ठीक है, ये हमने डेजिग्नेशन लिख दी। और बताओ भाई क्या लिखना चाहिए और इसमें, ठीक है, ईमेल सबसे पहले props dot email, सही है, और डैश लगा के फिर फोन नंबर भी लिख देते हैं आगे, डॉट, ठीक है, फोन, उसके बाद लाइन ब्रेक करते हैं एक अदद, ठीक है, लाइन ब्रेक करके वेबसाइट कर दें, ठीक है जी, वेबसाइट। अब ये मेरा एक अदद जो है ना बिजनेस कार्ड तैयार हो गया, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज मौजूद है। अब इस बिजनेस कार्ड को मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे अपने बिजनेस कार्ड को क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके मैं ऐसे रख दूं, सीधा सीधा ऐसे नहीं रखूंगा मैं, चूंकि ये एक कंपोनेंट है तो मैं इसको ऐसे करके लगा सकता हूं, ठीक है ना, ये कंपोनेंट लगा दिया मैंने, ठीक है, बिजनेस कार्ड ओपन, बिजनेस कार्ड क्लोज, ऐसा लग रहा है HTML है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये JSX है भाई, और इसके अंदर ये जो चीज है ये क्या है, ये नीचे कंपोनेंट बना हुआ वो चीज है ये, ठीक है, ये नीचे जो कंपोनेंट बना हुआ वही ऊपर कॉल हो रहा है, बल्कि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि ज्यादा मेक सेंस हो जाए ना, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ ऊपर कर देता हूँ, वरना आप लोग सोचेंगे कि यार बना हुआ नीचे कॉल ऊपर हो रहा है ये क्या चक्कर है, ठीक है, हालांकि वो हम ये जानते हैं होस्टिंग होती है तो फंक्शन के कीवर्ड से जो फंक्शन बना हुआ वो कहीं भी बना हुआ कॉल हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता,
ये ऐप के कंपोनेंट को कर रहा है, ऐप के कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो मैंने बिजनेस कार्ड के नाम से एक कंपोनेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसमें कौन कौन से प्रॉप्स इनपुट देने हैं? सबसे पहले मुझे नेम देना है, सही है? नेम में मैंने कह दिया भाई मलिक सबसे पहले, उसके बाद मुझे कहा डेजिग्नेशन, ठीक है? डेजिग्नेशन में मैंने कह दिया सीनियर इंस्ट्रक्टर। अच्छा, मैं लाइन को ब्रेक भी कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, सेम जैसे एचटीएमएल में होता है, लाइन ब्रेक कर सकता हूं मैं अगर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है ऐसे करके। अभी अभी एक तो पहले बनाते हैं ना, फिर इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। ईमेल चाहिए, फोन चाहिए मुझे, ईमेल चाहिए, फोन चाहिए और वेबसाइट चाहिए मुझे, सही है जी? ईमेल मैंने कहा malik@sysgov.com, ठीक है जी। फोन मैंने कह दिया +92302, ठीक है, ये मैंने फोन लिख दिया। अच्छा, वेबसाइट ठीक है, https भी लगा देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, एक बिजनेस कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। चला के देखते हैं इसको जनाब, ठीक है जी। ये एक, अच्छा ये लाइन को सेंटर पता है अभी भी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्लास नेम यहाँ लगा हुआ है, इसको सेंटर किया हुआ है इसमें, ठीक है जी। एक बिजनेस कार्ड मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसमें मैं मजीद स्टाइलिंग जितनी चाहूं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जितनी स्टाइलिंग चाहूं इसमें मजीद कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे इसी बिजनेस कार्ड को रीयूज करना है, मैं क्या करूंगा, एक और बार प्रिंट कर दिया नीचे मैंने। अब की बार मैंने नाम क्या लिख दिया, जेम्स बॉन्ड, सही है भाई? जेम्स बॉन्ड क्या है, जेम्स बॉन्ड क्या है, MI6 डबल ओ एजेंट है ये, डबल ओ एजेंट कहते हैं। हाँ, फॉर लूप में भी हम कर सकते हैं, अगर मेरे पास कहीं डेटाबेस से डेटा आ रहा है और 200 यूजर आ रहे हैं मेरे पास, मुझे 200 के 200 का बिजनेस कार्ड प्रिंट करना है, मैं कर सकता हूँ इजिली, ठीक है। अच्छा, तो भाई जेम्स बॉन्ड की जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, डबल ओ एजेंट है वो, ठीक है। मैंने कहा जेम्स @MI6.com, ठीक है, MI6 की वेबसाइट बना दी मैंने। अच्छा, फोन नंबर अननोन, सही है, नो वेबसाइट, एजेंट है ना भाई, फोन नंबर इतनी इजीली तो नहीं होगा अवेलेबल, और वेबसाइट क्यों बनाएगा वो तो सीक्रेट एजेंट है। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा बिजनेस कार्ड बना दिया, ये लो भाई दूसरा बिजनेस कार्ड भी आ गया। अच्छा, बिजनेस कार्ड के बीच में मैं क्या करता हूँ, एक बल्कि मैं बिजनेस कार्ड के अंदर ये चीज लगा देता हूँ ना, कि हमेशा क्या करे अपने बाद एक लाइन ब्रेक भी दे दे, ठीक है, एक लाइन ब्रेक वो खुद से दे दे। क्या हुआ भला, सही है, एक बिजनेस कार्ड दूसरा बिजनेस कार्ड। अब मैं जितनी दफा चाहूं उसको रिपीट कर सकता हूँ, जितनी दफा मैं चाहूं इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ, ये उतनी दफा आ जाएगा मेरे पास। हर दफा प्रॉपर्टी चेंज होगी, हर दफा अलग नाम प्रिंट हो रहा होगा, ये रीयूजेबल कंपोनेंट हमारा एक अदद बन चुका है। अच्छा, अब आप लोगों का टास्क क्या है, अगली क्लास में आप लोगों को क्या करना है, ये जो बिजनेस कार्ड का कंपोनेंट है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया इमेजिनरी, आप लोगों को फेसबुक का कंपोनेंट बना के, जो फेसबुक की एक पोस्ट होती है वो क्या है, एक कंपोनेंट है ना, इसी तरह रिपीट हो रही होती है वो भी, ठीक है। आपने ये फेसबुक पोस्ट के नाम से एक कंपोनेंट बनाया बिजनेस कार्ड की जगह पर, और आपने उसको यहाँ क्या देना है, बंदे का नाम, उसकी प्रोफाइल फोटो का URL, प्रोफाइल फोटो का URL कहीं भी क्लाउड में जो भी हो, HTTPS का कोई URL दे देना, कोई भी इमेज का URL दे दो उसको, वो प्रिंट कर दे उसको वहां पे इमेज, ठीक है। इसी तरीके से फिर टाइम, एक टाइम भी देना पड़ेगा आपको कि ये पोस्ट की टाइमिंग क्या है, ठीक है, लिखा हुआ था ना 3 मिनट अगो, 5 मिनट अगो। फिर उसके बाद चौथा क्या होगा,
उस पोस्ट का टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट क्या मौजूद है, ये चार पांच प्रॉपर्टीज देंगे फेसबुक की पोस्ट का कमेंट, फेसबुक की पोस्ट का ना कंपोनेंट बनाकर ना, और होस्टेड हुआ हुआ होना चाहिए, बगैर होस्टिंग वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। होस्टिंग जिसने की भी होगी उसी का एक्सेप्टेबल होगा, अभी इतना करो जितना मैं बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे, जैसे इसको एक्सपोर्ट किया मैं वैसे ही अपना भी एक्सपोर्ट कर लेना, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है, और नाम वो कवर करेंगे, आप ये भी क्लियर करो, वो कवर नहीं करेंगे, सिंगल और कहां सिंगल, कौन सी लाइन नंबर का कह रहे हो, सेल्फ क्लोजिंग जो उसमें होती है ना अपना एचटीएमएल में, कि कुछ टैग होते हैं सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, इसमें भी उसी तरह कुछ और सेम है, वही जो उसमें सेल्फ होते हैं वो इसमें भी सेल्फ, ठीक है। अच्छा, मेरा जो कंपोनेंट है ना, मेरा वाला कंपोनेंट, इसमें मेरी मर्जी है कि मैं उसको सेल्फ बना दूं या डबल कर दूं, सही है, ये मैं सेल्फ बनाऊंगा तो भी सही चलेगा। हाँ, मैंने जो मेरा बना हुआ जो है, जो पहले से जेएसएक्स के है ना, उनमें ऐसा नहीं है, उनमें अगर बटन का कंपोनेंट है तो उसी तरह बनेगा जैसे उन्होंने बोला हुआ, ठीक है। मेरे कंपोनेंट मैंने देखो दोनों तरीके से लिखा है, दोनों सही चल रहा है, ये लो दोनों लिखा हुआ है, दोनों ने मना नहीं किया, सही है। ये बात हो गई इतनी, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अच्छा, अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, जल्दी से वेदर ऐप कंप्लीट करके छुट्टी करते हैं, सही है, जल्दी से वेदर ऐप कंप्लीट करते हैं। वेदर ऐप में सिंपल क्या करना होता है, एक एपीआई मुझे कॉल करनी है, वो मेरे पास पहले से लिखी हुई है, अभी मैं कॉपी कर लूंगा वहां से एपीआई एक्सियोस से जो कॉल की है, और उसको क्या करना होता है, स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है, यही करना होता है ना वेदर ऐप में, और तो कुछ नहीं करना, बन जाएगी आराम से। अबे घर से जो बोला है वो बना के लाओ, फेसबुक का कंपोनेंट बना के लाओ, सही है, और लेवल का आइडिया आया मुझे, आइडिया मुझे आइया बड़ा टाइट। पता है क्या, देखो जो ओपन वेदर एपीआई है ना, उसमें 7 डे का फोरकास्ट भी आता है, आता है ना, 14 डे का फोरकास्ट भी आता है उसमें, तो फेसबुक कैंसिल, फेसबुक बहुत बन गया। मैं यहाँ पे वेदर ऐप बना रहा हूँ करंट वेदर की, आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको सेम तरीके से 7 डे का जो फोरकास्ट है ना वो ऐप बना के लानी है, और हर यानी 7 डे का जो 7 कार्ड आ रहे होंगे ना, हर कार्ड एक कंपोनेंट, यानी एक ही कंपोनेंट होगा, 14 दफा आ रहा होगा, 14 दिन का फोरकास्ट जो है ना, देख लेते ना, 7 दिन है 14 दिन है। openweather.org, ठीक है जी, API, जा रहे हो, देखो एक है करंट वेदर, एक है आवरली फोरकास्ट, ठीक है, 4 डे, एक है 16 डे, ये 16 डे वाला करके लेकर आ जाना, ठीक है। 16 डे का कैसे होगा, वेदर फोरकास्ट लिखूंगा ना मैं, ये वाला नहीं, वो अक्टू वेदर में आ रहा होगा, ये तो आवरली है, ये आवरली है ना, डे वाला जो है ना वो दिखाता हूँ, डेली डेली, ये रहा डेली, ठीक है, ये डेली फोरकास्ट इस तरह आता है। ये जो एक कार्ड है सेम है नीचे तक, सिर्फ डेटा चेंज है, बाकी सब कुछ तो सेम है हर कार्ड में, 23, 24, 24, 25, 25, बस ट्यूसडे वेनसडे मंडे चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें सेम है। बहुत आसानी के साथ इसको कंपोनेंट इसका बनाया जा सकता है, और वही कंपोनेंट रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो सिंगल वाला एक मैं बना देता हूँ, 7 डे 14 डे जो भी बनाना, मतलब असल प्रैक्टिस है कंपोनेंट की, वेदर ऐप की नहीं है, कंपोनेंट की प्रैक्टिस है, ठीक है। एक ही कंपोनेंट बना के 4-5 दफा रिपीट कर दिया तो काम हो गया, ये चीज है। अच्छा,
अच्छा ये गौर से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक अदद बना दिया यूज इफेक्ट। रिएक्ट के अंदर जो भी एपीआई कॉल होती है ना वो किसमें होती है, यूज इफेक्ट के अंदर होती है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर कोई भी एपीआई कॉल होती है वो किसमें होती है, वो यूज इफेक्ट के नाम से एक चीज है उसमें होती है। अब ये यूज इफेक्ट क्या होता है उसको डिटेल में इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इससे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम इसमें जस्ट हम वो एक्सियोस वाला ना लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा कौन सी क्लास में हमने पढ़ा था वो वेदर वाला, ये रहा ना एलेक्सा वेदर असिस्टेंट लैम्डा इंडेक्स, ये आ गया भाई हमारा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया यार। अच्छा जी, मैंने कहा कि एक्सियोस डॉट का, अच्छा एक्सियोस मेरे पास है नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं रोकूंगा इसको, npm i एक्सियोस एंटर। ठीक है, एक्सियोस की साइट पे भी जा सकता हूं मैं, अगर मैं भूल जाऊं कभी भी कमांड तो एक्सियोस की साइट पे भी जा सकता हूं, और एक्सियोस की साइट पे जाके मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन की कमांड यहां पर है और यहां पे इंपोर्ट की भी कमांड होगी, ये तो रिक्वायर है ना। अच्छा, रिक्वायर भी अगर हमें मिल जाए ना तो कोई मसला नहीं है, रिक्वायर वो कन्वर्ट कर देता है, वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पे लाके लिखूंगा ना रिक्वायर वाला, तो ये क्या करेगा, ये खुद से ही मुझे बत्ती जला के दिखा देगा कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो। नहीं दिखा रहा है ये क्या सीन है। अच्छा ये app.js है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। अच्छा अच्छा, बाय द वे रिएक्ट में दोनों चल जाता है, अभी मुझे याद आ गया, रिएक्ट में ना इम्पोर्ट भी चल जाता है रिक्वायर भी चल जाता है, तो एक ही बात है, फर्क नहीं है, फिर रिक्वायर ही चला लेते हैं। सही है, रिक्वायर हो गया एक्सियोस, एक्सियोस डॉट गेट ओपन वेदर एपीआई, आगे मेरी एपीआई की नहीं लगी हुई ना, एपीआई की भी कॉपी करके लानी पड़ेगी मुझे, एपीआई की भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करके लानी पड़ेगी, ये मेरी एपीआई की भी आ गई। सही है, इसको मैं टॉप पे ही कहीं लगा देता हूँ एपीआई की को। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे हो मेरे समझ में ही नहीं आया। अभी ये यूज इफेक्ट क्या होता है उस पर तो हमने डिस्कस ही नहीं किया ना अभी तक, यूज इफेक्ट क्या होता है उस पर तो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी तक कुछ। सही है, अब ये सारी चीजें मुझे कहां पे करनी है, ये सारी चीजें मुझे अपने कंपोनेंट में दिखानी है, ऐसा ही है। अब ये सारी चीजें मैं कट करता हूं यहां से, और कट करके कहां लाके रख देता हूं, बिजनेस कार्ड से पहले। सही है, बिजनेस कार्ड से पहले मैंने ये सब कुछ दिखा दिया यहां पे। सही है, अच्छा अब ये जो वेदर डेटा है, ये जो वेदर डेटा है मुझे, ये मुझे ऐसे नॉर्मल वेरिएबल में नहीं रख सकता मैं, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल वेरिएबल में नहीं रख सकता, इसके लिए रिएक्ट का एक वेरिएबल है। इसके लिए क्या है, रिएक्ट का एक खास तरीका है वेरिएबल बनाने का, उसमें मुझे रखना होगा। अच्छा, उसमें रखने से बेनिफिट क्या होगा, एक आम वेरिएबल में और उस वेरिएबल में डिफरेंस है तो है क्या, वो है ये कि अगर ये कॉन्स्ट वाला जो वेरिएबल है ना, अगर ये चेंज हो गया तो ये जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, ये इसके साथ साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिएक्ट वाला वेरिएबल हुआ ना और वो चेंज हुआ तो ये भी साथ साथ चेंज हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे रिएक्ट वाला वेरिएबल हमारे लिए यूज करना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि जब मेरी ऐप लोड होगी तो उस वक्त तो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लगी नहीं है ना, उस पर तो टाइम लगेगा रिस्पॉन्स आने में, वो तो जब तक पूरा चल चुकी होगी ऐप। तो मुझे इस वजह से एक रिएक्ट का वेरिएबल बनाना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट स्टेट। ठीक है, तो मैं आता हूँ जनाब ऊपर और यूज इफेक्ट के पड़ोस में मैंने क्या किया, यूज स्टेट भी इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, और स्टेट में कहां पर बनाऊंगा, मैंने कहा कि const, ठीक है, यार अभी तक लोग कनेक्ट क्यों हो रहे हैं इसके अंदर, वेदर वेदर डेटा कॉमा सेट वेदर डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, और यूज स्टेट में मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया उसको। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है ना, ये एंटायरली डिफरेंट है एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से, क्योंकि ये रिएक्ट स्पेसिफिक चीज है तो ये जावास्क्रिप्ट, लेकिन जाहिर है रिएक्ट की लाइब्रेरी के थ्रू ये काम हो रहा है। ये यूज स्टेट जो है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। अच्छा, तो अब ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर वेरिएबल को अगर मुझे रीड करना होगा तो उसके लिए ये मौजूद है, वेरिएबल को मैं चेंज करना होगा तो ये मौजूद है। ठीक है, आमतौर पर तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल होता है ना कि हम उसी वेरिएबल पे इक्वल्स टू लगा के चेंज कर देते हैं वैल्यू, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जहां पे आपको प्रिंट करवाना है ना, वहां पे आप लिखेंगे वेदर डेटा, और जब आप वेदर डेटा के वेरिएबल को चेंज करना चाहेंगे ना, तो आप इसको चेंज ऐसे नहीं कर सकते इक्वल्स लगा के नॉर्मल, आप कहेंगे सेट वेदर डेटा ब्रैकेट ओपन क्लोज और बीच में आप देंगे नया डेटा। ठीक है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा करेंगे आइडिया हो जाएगा, इसी तरह होता है हमेशा ये। ठीक है, इन्होंने यही तरीका बता दिया है, ये इसी तरह से होगा हमेशा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले तो शुरू में, अच्छा शुरू में जो वैल्यू थी ना वो मैंने यहाँ बीच में दी हुई है, जब मेरा कोड चलेगा तो इसमें वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है ये वाली बात, ये वेरिएबल बन गया, इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू आ गई एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अगर मैं ये नहीं दूंगा तो ये नल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू मैंने इसको दे दी है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे ही मेरे देन पे रिस्पॉन्स आया ना एक्सियोस से, तो मैंने क्या किया, वेदर डेटा मैं ऐसे नहीं रखूंगा, ये तो नॉर्मल वेरिएबल था, इसमें इक्वल्स करके देता था मैं आप कहूंगा सेट वेदर डेटा और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, दिस इज हाउ वी चेंज द वेरिएबल डेटा। मेरा रिएक्ट का वेरिएबल था ये, रिएक्ट स्टेट कहते हैं इसको, प्यार से रिएक्ट का वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप। इसको मैंने डेटा देना था नया, मैंने कैसे दिया, सेट वेदर डेटा जो मैंने ऊपर नाम रखा था। अच्छा ये भाई देखे, नाम मेरी मर्जी का, ऐसा जरूरी नहीं मैं सेट वेरिएबल कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं इसका, लेकिन ऐसे लोग रखते हैं, कन्वेंशन है इसी तरह से आप रखते हैं कि जो भी वेरिएबल का नाम है उससे पहले सेट लगा देते हैं। तो मैंने सेट वेदर डेटा का, तो ये करने से क्या होगा, वेरिएबल में डेटा चला गया। अच्छा, लेकिन जब मेरी ये ऐप चली थी तो इसके अंदर क्या मौजूद था, वेदर डेटा में एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरी ऐप चलेगी ये तो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि जो मैंने चीजें डिस्प्ले करवाई हुई है, जो मैंने चीजें डिस्प्ले करवाई हुई वो तो है ही नहीं उस गरीब के अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ कोई ना कोई ऐसा कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब उसमें वो डेटा आ जाए ना तभी उसको डिस्प्ले करें। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसके अंदर। वैसे तो आप एक टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वैसे आप टर्नरी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या भला, वो टर्नरी ऑपरेटर ये कि जो है ना आप कहें वेदर डेटा डॉट नेम अगर है क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे ये रख दो, अदरवाइज क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, कर सकते हैं ना ये काम। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका मौजूद है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, रिएक्ट से ताल्लुक नहीं है कोई इसका, उसका नाम है नलिश ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क। जितने भी डॉट है ना सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, खत्म बात। ठीक है, अगर वो होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई एरर नहीं देगा, ये उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने जितने भी डॉट थे ना उसके सबके पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अच्छा ये मुझे अभी भी किसी चीज का एरर दे रहा है भाई, देखे लाइन नंबर 4 में कह रहा है कि कुछ मैंने गड़बड़ की है, लाइन नंबर 4 में मैंने क्या कर दिया इसके साथ, इंपोर्ट बॉडी ऑफ मॉड्यूल, ओह
ओ अच्छा, वो कहता है इम्पोर्ट जो है ना सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो मैंने इम्पोर्ट से पहले रिक्वायर कर दिया था, ठीक है। तो वो उसकी ना वो ठेस पहुंच रहा था कि इम्पोर्ट से पहले कुछ कैसे आ गया। ठीक है भाई, ये मैंने कर दिया रिफ्रेश। अबे ये क्या हुआ, जो चल रहा था वो भी गायब हो गया, यही ऐसे ही ना हो गया। नहीं ये कुछ एरर आया, मैंने इसके अंदर पढ़ लेते हैं क्या एरर आया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। एक मिनट मैं उसको रोक के चलाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने नाम सही लिखा है ना उसपे, इम्पोर्ट के बाद क्या। एसिंक की जरूरत ही नहीं है इसमें। रिएक्ट इंपोर्ट होगी, लाजमी होगी, नहीं जब मैं यूज नहीं कर रहा जब भी होगी। चलो करते हैं। नहीं ना यार, ये कुछ और एरर दे रहा है, पढ़ते हैं इस एरर को ना। कंसिडर एडिंग एरर बाउंड्री टू योर ट्री। अच्छा ये एग्जियोस में आ रहा है एरर। डॉट देन डॉट कैच लगा देते हैं ना इसके ऊपर, पता चल जाएगा क्या आ रहा है एरर। CATCH मुझे लग रहा है वो एक्सपायर हो गई होगी एपीआई की वगैरह ना। सही है, कैच लगा दिया हमने, ताकि कैच लगने से क्या हो वो। भाई क्या सीन हो गया इसके साथ। app.js 46.1, 46 पे क्या किया मैंने। 46 डिफ क्लोज नीचे है ना, ये नीचे डिफ क्लोज हुआ। चलो एक डिव और बना देते हैं यहाँ पे जिसकी खुशी के लिए, वैसे इसका मसला नहीं है। इसको मैंने पूरे को एक डिव में कर दिया। एरर समझ में नहीं आया मेरे बोल क्या रहा है। ये किसी को समझ में आया एरर बोल क्या रहा है। हाँ भाई, जो लोग रिएक्ट पहले से जानते हैं। बताओ क्या एरर है। टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। app.js 50:1। रिएक्ट क्या किया। बिजनेस कार्ड तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ना, बिजनेस कार्ड को हटा दिया मैंने। बिजनेस कार्ड में तो मसला आ भी नहीं रहा था, मसला तो अब आया है बाद में। बताओ भाई बताओ क्या मसला है ये। अरे अब इसने दिया ना मुझे सही एरर, एपीआई एक्सपायर हुई भी है, दोबारा बनाते हैं एपीआई को। एपीआई 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 साइन इन करना पड़ेगा यार। सही है, एपीआई की में गया, एपीआई की को मैंने क्या करा, जनरेट कर दिया। सही है, न्यू एबीसी। अरे भाई न्यू क्लोज, न्यू एबीसी जनरेट। ठीक है भाई, जो न्यू एबीसी वाला था उसको मैंने यहां से
उठाया, यहाँ पे रखा, सेव किया और दोबारा से ऐप में आ गया, देखा क्या सीन है। इन्होंने लग रहा मेरा अकाउंट ही ब्लॉक मार दिया। एपीआई में कहाँ डॉलर है? नहीं नहीं वो मैंने हटा दिया ऑलमोस्ट। ये मैंने हार्ड कोडेड इसमें ना कराची कर दिया। ई में कहाँ डॉलर है? ये ना ये तो चलो ऊपर से आ रही है ना। खैर ये मेरा अकाउंट इन्होंने लग रहा पूरा ही ब्लॉक मार दिया। वीपीएन लगा के हिट करता हूँ इसको। किसी के पास ओपन वेदर की एपीआई है चलती भी? एपीआई की भेज दो मुझे जल्दी से, अगर किसी के पास चलती भी एपीआई की मौजूद है, क्योंकि मेरा तो इसने ब्लॉक मारा है। हाँ भाई जल्दी बताओ है किसी के पास? जल्दी से ढूंढ के निकालो। हाँ कहाँ पे सेंड किया? ये तो तुमने यूआरएल, अच्छा ऐप आईडी के नाम से जो आ रहा है ना। सेव, चलो भाई चला के देखते हैं। ये भी 401 ही आ रहा है। तुमने जो एपीआई दी उसके लास्ट में है 3C3। क्या करें भाई, ये तो इसने ब्लॉक मार दिया। एक और भी जुगाड़ है मेरे पास। अच्छा तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं उसका भी मेरे पास एक छोटा सा जुगाड़ कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं डमी डेटा पे, यानी ये रिस्पांस आया ना वेदर का, तो मैं यहाँ पे हाथ से डेटा डाल देता हूँ एज्यूम करते हुए कि इस तरह का डेटा आएगा। क्या डेटा डाल देता हूँ? सबसे पहले नेम कराची, इस तरह का ही डेटा आएगा ना हमारे पास। ये मैं हाथ से लिख देता हूँ यहाँ पे डमी डेटा पे, ये मैं काम कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। डॉट मेन डॉट टेम्प मैक्स, ठीक है। मैंने कहा मेन टेम्प अंडरस्कोर मैक्स, यही है ना। मैंने कहा इक्वल्स टू क्या जाने वाला है आज, मैक्सिमम 25 होने वाला है मैक्सिमम आज की डेट में, ठीक है। मैंने कहा टेम्प अंडरस्कोर मेन, इसको मैंने कह दिया कि यार 10 होने वाला है मिनिमम आज, सही है। उसके बाद क्या है? सिर्फ टेम्प है कि अभी राइट नाउ इस वक्त क्या है। हाँ भाई क्या होगा इस वक्त राइट नाउ? इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 15 के करीब होगा।
तो मैंने हाथ से ये डेटा इसको दे दिया, मतलब एपीआई का रिस्पांस आने की सूरत में, जाहिर है थोड़ी देर बाद ही आएगा एपीआई का रिस्पांस, 401 ही आ रहा है, लेकिन मैंने हाथ से उसको डेटा देके एज्यूम करवा दिया कि जो है ना, अच्छा वो देन में असल में जा नहीं रहा, जब कैच पे वो कैच में भी मैं यही सेम चीज लिख देता हूँ। सही है, मैंने कहा अगर देन पे हो तो एक्चुअल डेटा रख दो, अगर कैच में चला जाए ना तो डमी डेटा रख दो। सही है, ये बिल्कुल सही काम हो गया। अब मैं आके रिफ्रेश कर लेता हूँ, नीचे जाके मैं सबको ओपन भी कर देता हूँ। अबे अब क्या मसला हो गया भाई, अच्छा डिस्क्रिप्शन मैंने डाला नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन पे एरर दे रहा है। अच्छा इसमें मैंने लाइन ब्रेक भी नहीं की है, लाइन ब्रेक भी मुझे हर एक डेटा के बाद लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी ना। सही है जी, ये मेरे पास वेदर का डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया है? एपीआई कॉल से शुरू हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह की एक ऐप बनानी है, लेकिन उसमें 14 डे का या 16 डे का जो भी है फोरकास्ट वो लगाना है, और हर डे का फोरकास्ट एक कार्ड की सूरत में आए बना हुआ अच्छा सा, उसमें स्टाइलिंग स्टाइलिंग सब सीधा आ जाए, यूं आ जाए जैसे आ जाए, ठीक है। एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, बट एक दिन का एक कंपोनेंट होगा और वही रिपीट होगा सारे दिनों के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।